हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैदवासी। अभी पता है आज मंगलवार है, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, लेकिन मैं आज हनुमान चालीसा रात को पढ़ूंगी 51 बार के बाद कहते हैं 29 अभी तक तो जाप करते हैं और भगवान ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और ये शनि का साल भी है। आज मेरी इच्छा हुई है कि मैं मंगलवार का दिन है, धावजी पाटिल का दिन है, मोंगल माँ का दिन है, मेरी मेलडी माँ का दिन है, मांडर जी काड़ूबाई का दिन है, सभी चीज़ों का बहुत बड़ा दिन है। तो आज मेरी इच्छा है कि मैं मुर्गा छोड़ूं, क्योंकि एक बात की मुझे बहुत खुशी है आज कि मैं मतलब मुझसे कितने लोग कितनी बुरी तरीके से परेशान हैं कि जब से कल की वीडियो बनी है कि विद्यालय में कहीं और रहने जाने वाली है, तो पूरी के पूरे मतलब सब लोग को खुश हो गए हैं कि अच्छा है, जाने दो। अभी तक मेरी शक्तियों को पहचाना नहीं क्या? आपको लगता है मेरी शक्तियाँ मुझे यहाँ से निकलने देगी, एक पैर भी बाहर निकालने देगी? अरे अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो मैंने अपना खुद का घर खरीदा है। अगर समझो तुम लोग सोचोगे, जितने भी गोराई में हैं, जितने लोग गोराई में ठेकेदार हैं सबका घर दिलाने का, बिकवाने का, उन एजेंट लोग को एक बात बताऊँगी, तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग किसी को ऐसे करने से रोक सकते हो? खरीदने से थोड़ी रोक सकते हो। मैंने तो घर खरीद लिया है ऑलरेडी, बस मेरा 1-1 महीने बाद कहते हैं ना नवरात्रि में श्री गणेश होने वाला है, तब ये बात का डर नहीं लगता, ये बात की खुशी मना रही हो कि चलो ये बला जा रही। बला जाने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्या किया है और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि तुम लोगों को मेरा डर है? डर तो है, और ऐसा वैसा डर नहीं, बहुत बड़ा डर है। नाम खराब करने की आदत है, एक दूसरे के पीछे बोलने की आदत है, और कुछ नमक हरामों को भी मैं बोलूँगी, मैंने कुछ ऐसे नमक हराम पाल के रखे हैं कुत्ते, जिनको मैं कितना भी, मैं सही बोलूँ मेरे घर का नमक ही ख़राब है। मेरे को आज बहुत सारी बातें बुरी लगती है कि अगर मैं हमेशा मैं सबको सोचती हूँ कि मैं अपने जैसा रखूँ, मैं हमेशा सबको अपनी बराबरी का समझती हूँ, लेकिन जो नमक हराम लोग हैं वो इतने नमक हराम लोग रहते हैं कि उनको अगर हम अपना कहते हैं ना, मैं आज भी अगर मैं अपना कलेजा भी निकाल के रखूँगी ना सामने वाले के लिए, तो भी इंसान उसको लात मार के फुटबॉल बना के बाहर फेंक देंगे। उनको उससे मतलब नहीं है कि हमको हमारी मालकिन कैसे रखती है, खाना पीना रहना सब अच्छा देती है। शायद मेरे पास जितने लोग काम करते हैं उनको मेरे ख्याल से अनाज के सिवा जा बाकी कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, हर एक चीज़ की सुविधा देते हैं, लेकिन नहीं, क्या करें, भड़वागिरी और दलाली की आदत जो हो चुकी है, दलालगिरी करने की आदत हो चुकी है। ये लोग इतने गंदे होते हैं कि इनका बस चले तो अपनी खुद की बीवियों को भी दलाली के लिए धंधे पर बिठा दें, ऐसे गंदे होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आज एक काम करने जा रही हूँ, मैं मुर्गा छोड़ने जा रही हूँ आज से अभी से पूरी गोराई के लिए बोल रही हूँ, आज से अभी से पूरी गोराई पूरी बोरीवली में अगर जितने भी इधर के ठेकेदार बनते हैं, एजेंटगिरी करते हैं, जो भी करते हैं, अगर आज से तुम लोग का एक भी रूम बिक गया या एक भी रूम भाड़े पे चला गया या 1 रुपये की तुमको दलाली मिल गई ना, तो विद्या देवी को चप्पल से आके मारना, आज से अभी से तुम सबका काम धंधा बंद। मैं भी देखना चाहती हूँ, एड़ी चोटी की जोड़ लगा लो, मैं अपनी ताकत आजमाती हूँ, और मुझे गांड में हिम्मत है तो मुझे गोराई से बाहर निकाल के बता दो, बस इतना ही बोलूँगी। चैलेंज, खुला चैलेंज बता रही हूँ मैं कि ये काम करके दिखा दो। और एक और बात, मैं बात बता रही हूँ सच में, तुम्हारे घर में अगर खाने अनाज के लिए भी दिक्कत नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना। जिधर जिधर जाओगे एक टाइम बाहर वाले आके रहेंगे, डायरेक्ट करेंगे, लेकिन तुमसे कोई भी काम नहीं करवाएगा। आज से अभी से तुम सबका काम धंधा बंद। आपको तो पता है मैं इस काम मामले में बहुत नीच औरत हूँ, मैंने अपने पूरी गोराई से नशे का बाज़ार भगाया है, पूरे लोगों की हड्डियाँ चकनाचूर के। तुम्हारे खुश होने से मेरी शक्तियाँ खुश नहीं है ना, और जितने लोगों ने भी मेरे लिए षड्यंत्र रचा है, मैंने आप भी, मैं भी मुर्गा छोड़ते समय सुल्तान को छोड़ रही हूँ, धावजी पाटिल को छोड़ूंगी, जिसने भी मेरे लिए ये षड्यंत्र रचा है आने वाले 24 घंटे के अंदर उसके घर में प्रॉब्लम होनी चाहिए, मुझे दिखनी चाहिए कि ये बंदे ने मेरे बीच में प्रॉब्लम लाने की कोशिश की, ये बंदा मेरे बीच में आने की कोशिश की, उसके साथ बड़ा कांड होना चाहिए। तुम मेरा लाखों का काम रोकोगे ना तुम्हारा नुकसान होगा। तुम लोग 10-20 हज़ार दलाली के लिए अपनी औकात दिखाते हो ना, अगर मैंने तुम लोग का 2 लाख रुपये हॉस्पिटल में नहीं पहुँचाया तो विद्या देवी का नाम बदल देना, क्योंकि तुम जैसे लोग, तुम लोगों को पता है जो तुम लोग ये जो एजेंटगिरी करके जो लोगों का दलाली लेके दूसरों का दिल दुखाते हो ना, ये बहुत बड़ा पाप है। मैं तो यहाँ देती हूँ लेकिन मैं बात बता रही हूँ, जो लोग जिस दूसरों का ब्याज का पैसा खाते हैं, दलाली का पैसा खाते हैं, उनके घर में एक मृत्यु ज़रूर होती है, उनके घर में एक मौत ज़रूर होती है, उनके खास बच्चे की होगी, बीवी की होगी, बाप की होगी, क्यों? क्योंकि वो भगवान वो हजम नहीं करता। मेरे भी घर में हुआ है,
मेरे भी घर में हुआ है, हमारे भी घर में, हमारे माँ बाप जगह बेचते थे, जगह बेचने में मेरी भी बहन उस चीज़ में बलि में गई है, मैं जानती हूँ। ये पैसे आपको हजम नहीं होते, ये पैसे हजम होंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अपना दिल दुखा के देता हो। लेकिन आज तुम लोगों का जो विद्या देवी के लिए डर है, जो तुम लोगों ने विद्या देवी से पंगा लेने की कोशिश की है कि जाने दो, ऐसा है ना, आज से अभी से आप कोशिश कर लो। आज अभी कितना बज रहा है, अभी की तारीख मेरे को टाइम बताती हूँ आपको, 7:05, वाह क्या टाइम है, 7:05 से तुम लोगों की 7:30 शुरू होती है। अब विद्या देवी ने तुम्हारे ऊपर ग्रहण लगा दिया शनि भगवान का, तुम्हारे में दम है तो शनि ग्रह निकाल के बताओ, मैं मान जाऊंगी। आज से अभी से अगर जब तक तुम जिंदा हो और तुमको 1 रुपया दलाली का मिल गया, तुम्हारा 1 रुपये का काम धंधा चल गया, तो मेरा नाम बदल देना, बस बात ख़त्म। आज से गोराई में एक भी बंगलो, एक भी फ्लैट, एक भी सोसाइटी में रूम तुम लोगों के हाथ से भाड़े पे नहीं जाएगा, एक भी रूम नहीं बिकेगा। और जिसने मेरे साथ ये किया है, करने की कोशिश की है, 24 घंटे में मज़ा देखो। बस मेरी ताकत दिखाती हूँ मैं, विद्या देवी क्या चीज़ है और उसकी शक्तियाँ क्या कर सकती है, बस मात्र 24 घंटा। 7:05 हो रहा है, कल 7:05 तक तुम्हारे घर में जो होगा उसकी गलती की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं होगी। ठीक है, जय माता दी।